देखिए मसाला हम सरसों लहसुन और थोड़ा सा हल्दी पीस लिए हैं, और ये जीरा और गोलमरीच का पाउडर एक ही साथ में हम मिक्सर में पीस के रख देते हैं, तो एक चम्मच डाल रहे हैं सरसों का मसाला है, थोड़ा जीरा धनिया कम ही डालेंगे, और धनिया है, धनिया पाउडर है एक चम्मच। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे कलर आता है, हम नहीं डालते हैं, थोड़ा कलर कम आता है लेकिन अच्छा लगता है खाने में। गर्म होने के लिए सरसों का तेल डाल रहे हैं, सरसों का तेल में अच्छा होता है सब्जी, तो हम सरसों का तेल में ही बनाते हैं। हम डाल देते हैं आलू जो काट के रखे हैं फ्राई करने के लिए, देखिए आलू फ्राई हो गया है, अभी इसे निकाल लेते हैं। इसमें सजमन जो है एकदम हल्का फ्राई करेंगे, चाहे नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, हल्का सा फ्राई। तो देखिए फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है इसे, थोड़ा ही हल्का ही करना है, आप चाहे तो करें, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। फोरन डालेंगे तेल, तो सब्जी फ्राई हो गया है, इसमें तेल जो है मेथी का फोरन, आप चाहे तो हरा मिर्चा भी डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे ज़्यादा तीखा हो जाएगा, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। टमाटर दो काट के रखे थे तो वो भी डाल दे रहे हैं। उसके बाद नमक डाल देंगे, टमाटर गल जाएगा जल्दी। मसाला अच्छे से भूनना जरूरी, कच्चा नहीं रहना चाहिए, जितना ही भूनेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए मसाला भून गया है, तो डाल दे रहे हैं सब्जी। इसे ढक के थोड़ा टाइम के लिए पकाएंगे, फिर बाद में पानी डालेंगे। इसे मसाला डाल दिए हैं सब्जी को, थोड़ा टाइम के लिए ढक देते हैं इसे। तो देखिए सब्जी मसाला में डाल के 5 मिनट तक अच्छे से हम पका लिए हैं कि मसाला अंदर तक जाएगा, और आप चाहे तो ऐसे भी उतार सकते हैं। हम थोड़ा सा इसमें ग्रेवी रखेंगे तो थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, हल्का ज़्यादा नहीं, इसका रस बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। थोड़ा और पका लेते हैं 2 मिनट के लिए, पानी पक जाएगा, थोड़ा एक बार और उबाल आ जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे। तो आप भी बनाइए और खाइए, और सब्ज़ी कैसा लगता है बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए।